अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मैं हूं अबूबकर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का यूट्यूब चैनल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अभी मौजूद हूं मैं प्रेसेंट 25 के अंदर, जो कि 125 गज़ का रेजिडेंशियल प्रेसेंट है। इस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूं रोड 4 के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आज हमें काफ़ी दिनों बाद ये मैंने वीडियो का जो है वो टूर ली है। पहले मतलब इसके बारे में बैठ के डिस्कस किया गया, जिस तरह से इसकी डेवलपमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये एक अच्छा और ख़ूबसूरत होने के नाते ये इसकी जो मेन अट्रैक्शन है, जिस वजह से ये प्रेसेंट बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है या फेवरेट तरीन प्रेसेंट है, उसकी वजह ये है कि ये गोल्फ व्यू फेसिंग है। अगर आप कभी नाइट में या रात में आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, आते हैं, आप देखते हैं, तो जिस तरह से गोल्फ कोर्स की लाइट्स यहाँ पर रात में ऑन की जाती है, तो उसका डायरेक्टली व्यू जो है वो हमें इस 125 गज के रेजिडेंशियल प्रेसेंट में हमें जो है वो मिलता है। ये टॉप हाइट का प्रेसेंट है, प्रेसेंट 25। और जिस तरह से मतलब यहाँ पे एक टाइम से डेवलपमेंट चल रही थी, घर बनना स्टार्ट हो रहे मतलब नहीं हो रहे थे, क्योंकि घर तो आज मैंने यहाँ पे टूर किया है या विज़िट किया है, तो आज हमें यहाँ पे तकरीबन कुछ 4 से 5 घर जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और 2 से 3 घर ऐसे हैं जो कि एक फिनिशिंग स्टेज पर बैठे हुए हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि जिनका पहले टूर हुआ है तकरीबन कुछ 6 माह पहले या 8 माह पहले, तो उस टाइम उन घरों की यहाँ पे हमें अभी स्टार्ट ही लग रहा था, यहाँ डिगिंग ही देखने को मिल रही थी, लेकिन आज वो वाले घर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग स्टेज पे हैं, और उसके बाद बहुत सारी नई साइडें जो है वो हमें देखने की यहाँ पे मिल रही हैं। मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ रोड 1 के ऊपर, और रोड 1 के बिल्कुल साथ स्ट्रीट 9 है, स्ट्रीट 20 है, स्ट्रीट 19 है, स्ट्रीट 8 है, और ये एक मतलब आप देख सकते हैं कि ये सामने जो है वो बहरिया का स्कूल एंड कॉलेज है, जो कि बिल्कुल इसके फेस पे है, और प्रेसेंट 20 गोल्फ के अंदर लोकेट करता है, जो कि वो स्कूल जो है वो ऑपरेशनल है। यहाँ पे बहरिया ने हर तरह से जो है वो चीज़ों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, जिस तरह इसके बिल्कुल बराबर में प्रेसेंट 24 है, 24 के अंदर बहरिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रेजिडेंस यहाँ पर बना के दी गई हैं। मतलब अगर इसकी इर्द गिर्द की हमें बात करते हैं या इसके मतलब सराउंडिंग की बात करते हैं, तो हर तरह से बहुत जल्द आबाद होने वाला ये एरिया है। मेन जिना से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मेन एवेन्यू जो है वो जो जिना से लिंक करता है प्रेसेंट 25 के लिए या इसकी सराउंडिंग में दूसरे जितने भी प्रेसेंट्स आते हैं, वो लिंक रोड जो है या लिंक एवेन्यू जो है वो हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे जिना मिलता है, और बिल्कुल उसके रोड के एवेन्यू के ऊपर ही प्रेसेंट 25 है। किस तरह से यहाँ पे शजरकारी की गई है, और आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी डीपीज़ हैं, सीवरेज है, हर तरह से 100% बैरियर टाउन मैनेजमेंट की तरफ से मतलब ओके कर दिया गया है, रेडी कर दिया गया है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन ले भी लिया है, और बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो पोजीशन अभी अप्लाई की है, और पोजीशन जिस तरह से डिमांड बढ़ने की वजह से या उनकी एप्लीकेशन बढ़ने की वजह से पोजीशन मिलने में थोड़ा सा मतलब इंतज़ार करना पड़ता है। पहले कुछ 6-8 माह का टाइम था, और अभी आके जो है वो पहले मतलब 1-1.5 माह के अंदर हमें पोजीशन यूटिलिटी जो है वो रिसीव हो जाता था, उसके अलॉटमेंट जो है वो हमें मिल जाता था, लेकिन अभी आके तकरीबन 2 से 2.5 माह का टाइम पीरियड बैरिया जो है वो देता है, क्योंकि पोजीशन एप्लीकेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में डेली बेसिस पर जो है वो बैरिया को रिसीव हो रही है। मैं यहाँ पे आज इसकी जो करंट प्राइस है वो भी डिस्कस करूँगा थोड़ी सी आपके साथ, और इसके जो प्रीवियस प्राइसेस चल रही थी वो भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि इसका टाइम पीरियड और इसका डेवलपमेंट और इसके अंदर इंक्रीज़ होने वाली जो प्राइसेस हैं वो सारी की सारी सामने रखी जाएँ। तकरीबन कुछ 6-8 माह पहले जब यहाँ पर आप कर लेंगे तकरीबन कुछ भी नहीं था, या साल पहले कुछ भी नहीं था, हमें यहाँ पर 20-25 लाख-30 लाख में एक अच्छा खासा डिवेलप प्लॉट मतलब मिलता था प्रेसेंट 25 के अंदर। राइट नो अगर आज के दिन की बात करें तो हमें यहाँ पे मिनिमम प्राइस जो है वो हमें 50 लाख से नीचे 125 गज का प्लॉट नहीं मिलेगा प्रेसेंट 25 के अंदर। 50 लाख प्लस माइनस में हमें जो है वो यहाँ पे प्लॉट की कोडिंग मिलती है, और जो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पे 65 लाख का भी रेट कोड होता है, 60 लाख का भी रेट कोड होता है, जिसमें कैटेगरी के प्लॉट आ जाते हैं, मेन बुलेवार्ड के प्लॉट आ जाते हैं, कॉर्नर है, पार्क फेस है, और जो ये चीज़ मैं हमेशा से बताता हूँ कि जो कैटेगरी का प्लॉट होगा
स्पेशली जो कॉर्नर प्लॉट होगा वो हमें एक अच्छे खासे एक्स्ट्रा लैंड के साथ मिलता है। उसमें अगर 125 गज का प्लॉट है तो उसमें 60 गज या 50 गज हमें ईजिली जो है वो एक्स्ट्रा लैंड भी बैरिया की तरफ से मिलता है, जो कि हमें एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र बैरिया के हेड ऑफिस में उसके अलग से चार्जेस जो है वो पे करना पड़ते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। जज़ाकअल्लाह।